हेलो एवरीबॉडी दोस्तों, देख रहे हो यहाँ पे किस तरह आरबीएसई 10th क्लास का जो वैदिक मैथ्स है उसमें जो इक्वेशन सॉल्व करने का दूसरा तरीका है वो है, अगर किसी इक्वेशन ऐसा अगर में दिया हुआ होगा एक्स प्लस बी बाई पी जगह सी एक्स प्लस डी बाई क्यू, तो एक्स का वैल्यू आएगा डी पी माइनस बी क्यू बाई ए क्यू माइनस सी पी। तो इसको रिमेम्बरिंग टिप क्या होगा, रिमेम्बर करने के लिए ए और बी को इस तरह लिखो और सी डी को इस तरह लिखो। हाँ, सब्ट्रैक्ट करने के टाइम में ऐसा डी से बी सब्ट्रैक्ट और ए से सी सब्ट्रैक्ट। हाँ, सी और डी के साथ मल्टीप्लाई क्या होगा, पी होगा और ए और बी के साथ क्यू होगा। तो देखो इस क्या करना होगा हमें, डी पी माइनस बी क्यू इजिकल टू सी पी माइनस ए क्यू माइनस सी पी, इस साइड में आना पड़ेगा डी पी माइनस बी क्यू और इस साइड में जब आएंगे तो ए क्यू माइनस सी पी, ठीक है, इस तरह इसे याद करना होगा। तो आप देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं और इसी फॉर्मूला को हम फॉर्मूला से इसे सॉल्व करते हैं। मानो क्या है, थ्री एक्स प्लस फाइव बाई फोर इजिकल टू टू एक्स प्लस वन बाई थ्री। ओके, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो किस तरह करेंगे, देखो यहाँ पे होगा फॉर्मूला लिखेंगे तो एक्स इजिकल टू एक्स का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पे ए इजिकल टू थ्री और b इक्वल टू 5, c इक्वल टू 2, d इक्वल टू 1। तो फार्मूला में क्या बोला, d पहले लिखना पड़ेगा, d कहाँ पे है, d यहाँ पे, मतलब 1 इक्वल टू d, d p, p कितना है 4, तो 1 इनटू 4। अच्छा नेक्स्ट dp माइनस b, b यहाँ पे कितना है, b तो दिखाई दे रहा है आपका, यहाँ पे b है 5, 5 bq, q मतलब 3 है, bq तो बी क्यू आएगा, तो बी जगह पे यहाँ पे 5, देखो यहाँ पे बी इस लेंगे तो इस बी जगह तो 5 है और इसके साथ क्यू होगा तो क्यू मतलब 3, मतलब 5 इंटू 3। अच्छा नेक्स्ट आ जाएगा नीचे ए क्यू, ए इजिकल टू 3 है और क्यू मतलब 3, तो 3 इंटू 3 माइनस क्या होगा सी पी, सी मतलब क्या है यहाँ पे 2, सी मतलब 2 और पी मतलब क्या है 4 into 4, देखो तो हमारा आंसर आ गया 4 minus 15 by 9 c, sorry c का वैल्यू यहाँ पे 2, c का वैल्यू 2 है तो 9 minus 8 is equal to 11 by minus 11 minus 11 by 1 is equal to minus 11 आंसर। तो इस तरह आप आसानी से सिर्फ वैल्यू पुट करना है, आपको याद रखना है x इक्वल टू dp माइनस bq बाय aq माइनस cp। आगे और भी बहुत अच्छा अच्छा फॉर्मूला सीखेंगे, आगे वाला वीडियो देखते रहिए। सिंस दैट, खुदा हाफिज़।